हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम टूल बॉक्स से टूल्स को देखने वाले हैं, वो है पॉलीगॉन टूल। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन टूल से। अगर आप इसके फ्लाईआउट पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे तीन टूल्स और दिखेंगे जिसे हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलीगॉन टूल। जब भी हम इस टूल पर डबल क्लिक करते हैं तो इसकी एक विंडो ओपन होती है जिसमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रेडियो बटन्स दिए हुए थ्री, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीगॉन, सेकंड दिया हुआ है स्टार, थर्ड दिया हुआ है पॉलीगॉन एज स्टार। अगर आप पॉलीगॉन को ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे? पॉलीगॉन। यहाँ से आप एक और ऑप्शन देख रहे हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ से हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ कर दी इसकी पॉइंट्स 5, है ना, ओके कर दिया। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसकी कितनी साइड्स ड्रॉ होने वाली है? 5। आप यही जो चेंजेस है आप यहाँ से भी कर सकते हो प्रॉपर्टी बार से। अगर हमें इसकी साइज बढ़ानी है, हम यहाँ से साइज बढ़ा लेंगे और इसकी साइज कितनी हो गई? 10 हो गई 5 से। इसमें ही जो सेकंड ऑप्शन आता है, मींस जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसका जो सेकंड ऑप्शन आता है वो होता है स्टार का। जब हम स्टार ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टार का शेप बन जाता है। आप यहाँ पे भी स्टार की साइज को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे किसका शेप बन जाएगा? स्टार का शेप। सेम प्रोसेस है, प्रॉपर्टी बार से भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वापस से हम डबल क्लिक करेंगे, अब इसका जो लास्ट ऑप्शन है पॉलीगॉन एज स्टार, हम इसका यूज करके देखते हैं कि किस टाइप से शेप बनेगा। हम जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, प्रीव्यू में देखिए ये थोड़ा स्टार से डिफरेंट दिख रहा है ना। हम यहाँ से इसकी शार्पनेस भी बढ़ा सकते हैं, तो हमने इतनी कर दी, ओके। ये हमने इसका थर्ड शेप भी बना लिया, ठीक है। यहाँ से हम इसकी भी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। ये हो गए हमारे तीनों ऑप्शंस पॉलीगॉन टूल के अंदर के। पहला था पॉलीगॉन, सेकंड था हमारा स्टार और थर्ड था हमारा पॉलीगॉन एज स्टार। अगर मान लीजिए आप यहाँ से ही डायरेक्टली शेप में चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? पहले तो हम लोग जो बनाए हैं ऑब्जेक्ट उसको डिलीट कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं इसका शेप यहाँ पे हम लोग चेंज करें तो हमें क्या करना होगा? ये जो शेप टूल है इसको सेलेक्ट करना होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं हम इसको पकड़ के कोई भी शेप में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ानी है तो हम जैसे ही पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करते हैं वैसे ही इसके ऑप्शन बार में, मीन्स प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स भी बढ़ जाएगी। अब देखिए हम लोग इस शेप में थोड़ा चेंज करके देखेंगे। तो शेप टूल को सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने कोई भी पॉइंट को पकड़ लिया, उसको पकड़ के हमने खींच लिया। आप देख सकते हो चेंज हो रहा है शेप इसका, ठीक है। अगर आपको इस शेप में कलर करना है तो आप कलर पैलेट से कर सकते हो। इन केस अगर आपके विंडो में कलर पैलेट नहीं शो हो रहा है तो आप कहाँ से लेके आएंगे उसे? विंडो मेन्यू से। तो विंडो मेन्यू में जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास ऑप्शन आता है कलर पैलेट्स का। यहाँ से हम लोग किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? यूनिफॉर्म कलर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर पैलेट एक्टिव हो गई है। अब हमें क्या करना है? हमारा जो पॉलीगॉन है इसमें कलर करना है, हमने कलर कर दिया। तो हम लोग डायरेक्टली भी इसका शेप चेंज कर सकते हैं। अब हम इसमें सेकेंड ऑप्शन देखते हैं पॉलीगॉन में। इसके फ्लाई आउट में जो सेकंड ऑप्शन है वो होता है स्पाइरल का। स्पाइरल टूल के लिए जो शॉर्टकट है वो है ए। इस टूल को हम जैसे ही ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है, लाइंस बन रही है बट राउंडेड है। अगर आपको इस लाइन को कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी बार से, है ना। हमने इस टूल को सेलेक्ट किया, यहाँ पर अभी कितनी लाइन्स आ रही है? 14 आ रही है। अगर हमें इसे कम करना है, हम मान लीजिए यहाँ पे 5 लाइंस का स्पाइरल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमने स्पाइरल टूल को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी बार में उसकी जो डिजिट्स है उसको क्या कर दिया? 5। अब हम जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 5 लाइंस का ही स्पाइरल ड्रॉ होगा। अब इसी फ्लाईआउट में जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है ग्राफ पेपर टूल। ग्राफ पेपर टूल में भी ये जो टूल है इसका यूज़ करते हैं हम लोग टेबल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अगर हमें इस टेबल की रोज़ और कॉलम्स को कम करना है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी बार से जो कॉलम्स की संख्या है उसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम 5x5 की क्या करना चाहते हैं?
टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमने 5x5 की टेबल को ड्रॉ कर दिया। अगर हमें इसे कम करना है तो हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं, हम 3x3 की भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।